पढ़ रहे हैं प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र का जो शीर्षक है वो है हमारा कि बहन के विवाह हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बहन के विवाह हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र तो आप पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी। फिर स्कूल का नाम आएगा मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति। फिर बीकानेर, क्या आएगा, बीकानेर। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है यानी आपका प्रार्थना पत्र है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सर विनय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक, अब जो भी दिनांक होगी वो यहाँ पे लिखनी है, को होगा। क्या लिखी, सर विनय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक को होगा। तारीख मैंने नहीं लिखी है, दो तारीख होगी लिखी है, उसमें मेरा शामिल होना जरूरी है, उसमें मेरा शामिल होना जरूरी है, अतः मेरा दिनांक, अब जिस तारीख को आपको छुट्टी चाहिए, जिस तारीख से लेकर जहां तक छुट्टी चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी, तक 3 दिनों का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। फिर आएगा धन्यवाद, तो यह आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यह नाम आएगा और यह आपकी कक्षा आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन किसकी, आपकी बहन के विवाह हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और पापा देख लीजिए एक बार, सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, बीकानेर। महोदय, सर विनय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक, तारीख में नहीं लिखी है, हमें को होगा, उसमें मेरा शामिल होना जरूरी है, अतः मेरा दिनांक से तक की 3 दिनों का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, मेरा नाम और आपकी कक्षा। इस एप्लीकेशन को मैंने प्रार्थना पत्र को अपनी कॉपी में उतारिए और उसे याद कीजिए। मैं एक बार फिर वापस इन्हें लगवाता हूँ, देखिए आपकी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आएगी लाइन आपके, श्रीमान प्रधाना अध्यापक जी, उसके नीचे हमारी स्कूल का नाम मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति। फिर महोदय, सर विनय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक को होगा, मेरा उसमें मेरा शामिल होना जरूरी है, अतः मेरा दिनांक से तक 3 दिनों का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, यानी आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और कक्षा आपको लिखनी है, या डेस्क डेस्क नाम मैंने छोड़ा है, वो आपकी तारीख आ जाएगी जिस तारीख को विवाह है और जिस तारीख से लेकर आपको अवकाश लेना है। तो इसको अपनी कॉपी में उतारिए और इसको याद कीजिए।